एक पौधा तौहीद का लगा दो, देखते ही देखते देखो उस इलाके में तौहीद का बेहतरीन परचम लहरना शुरू हो जाता है। तौहीद का ये फलदार दरख्त हर एक को फल देता है, हर एक को फायदा पहुंचाता है। मोमिन वो होता है, मुवाहिद वो होता है, तौहीद परस वो होता है। तौहीद का मतलब हर एक को फायदा पहुंचाना, हर मसले का हल इसी में है। तो मुवाहिद को चाहिए, तौहीद परस को चाहिए, मोमिन को चाहिए हर एक के लिए फायदा मंद बने, हर एक के लिए सूद मंद बने, किसी को किसी के लिए जहमत ना बने, बल्कि हर एक के लिए रहमत बना करे। क्योंकि तौहीद, तौहीद में हर मसले का हल है, हर मसले का हल है तौहीद। याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में 13 साल में से तकरीबन 11.5 या 12 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद और अखलाक की तालीम देते रहे। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नऊदु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون। हाज़िर निगरामी, पर्दा नशीन ख़वातीन मिल्लत, अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र एहसान है उस रब करीम ने हम तमाम को इंसान बनाया और इंसानों में दीन इस्लाम के मानने वाले मुसलमान बनाया और उनमें भी अल्लाह ताला ने हमें तौहीद परस्त बनाया। बादहु दुरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अम्बिया व मुरसलीन पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाहुम्म बारिक व सल्लि व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। हाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा किया। कायनात अर्ज़ो समा की पैदाइश का मकसद है तौहीद को कायम किया जाए। इंसान और जिन्नात को अल्लाह ताला ने इसीलिए पैदा किया, कायनात अर्ज़ो समा को अल्लाह ताला ने इसीलिए वजूद बख्शा है,
अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में, वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को इसीलिए पैदा किया ताकि वो खालिस तौहीद के साथ मेरी इबादत करें। मुफस्सिरे कुरान तर्जमानुल कुरान इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान में जहां पर भी तौहीद इबादत का लफ्ज़ जिक्र किया है, चाहे वो वअबुदू है, वअबुदुहु, याबुदुहु, याबुदूना हो, ये सारी बातों का खुलासा यही है, इन सारी बातों का मकसद यह है कि इबादत तौहीद के साथ हो, यानी इबादत तौहीद के बगैर बेकार है, बेसूद है, कोई फायदा नहीं है। और इसी तौहीद के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया और मुरसलीन को मबऊस किया, अंबिया और मुरसलीन को अल्लाह ताला ने इसी तौहीद के लिए भेजा है, तौहीद के प्रचार के लिए, तौहीद को कायम करने के लिए, तौहीद की दावत देने के लिए। आप अगर देखेंगे हर नबी ने पहली दावत तौहीद से ही आगाज किया है। अल्लाह ताला ने सूरह नहल आयत नंबर 36 में फरमाया, वमा अरसलना, हमने वलकद बअसना फी कुल्ली उम्मति रसूला अन इबुदुल्लाह वस्तनिबुत तागूत, वलकद बअसना फी कुल्ली उम्मति रसूला, हमने हर उम्मत में एक रसूल को भेजा है, हर उम्मत में रसूल को भेजा है। रसूल आकर सबसे पहले तालीम क्या दिए, अन इबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करना, वस्तनिबुत तागूत, और शिर्क से बच जाना। तागूत अल्लाह के सिवा जिसके इबादत हो, अल्लाह के सिवा जिसको ताबेदारी का हक दिया जाए, अल्लाह के सिवा जिसको इत्तिबा का हक दिया जाए, अल्लाह के सिवा जिसको फैसला करने का हक दिया जाए, अल्लाह के सिवा जिसके सामने अल्लाह के हुकूक अदा किए जाएं, वो सारी बातें तागूत में दाखिल हैं। चाहे वो कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई जिंदा हो, मुर्दा हो, हजर हो, शजर हो, कबर हो, औलिया हो, अंबिया हो, जिन्नात हो, अत्किया हो, सिद्दीकीन हो, सालिहीन हो, कोई भी हो, अगर अल्लाह का हक किसी को दिया जाए वो तागूत है, उससे परहेज गुरेज करना है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह तागूत की बेहतरीन तारीफ बयान करते हैं। वो कहते हैं कि तागूत अरबी जबान का एक लफ्ज है जिसके माने हैं हद से तजावुज कर जाना, लिमिट क्रॉस कर जाना, उसको कहते हैं तागूत। इस्लाम ने हर एक को उसका एक मुकाम दिया और हर मखलूक की एक लिमिट है, खालिक की कोई लिमिट नहीं है, जो भी मखलूकात है उसकी लिमिट है, उसकी हद है, उससे आगे वो जा नहीं सकती है, मखलूकात की हद बंदी है, खालिक के लिए कोई हद बंदी नहीं है। तो अब अल्लाह ताला ने नबियों को एक मुकाम दिया, सालिहीन को एक मुकाम दिया, सिद्दीकीन को एक मुकाम दिया, और औलिया को एक मुकाम दिया, अल्लाह ताला ने इंसानों को मुकाम दिया, जानवरों को मुकाम दिया, और इसी तरह से दीगर गैर जानदारों को भी अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिया। हर एक को उसके अपने अपने मुकाम पे रखना ये इंसाफ है, और उसके मुकाम से गिरा देना, मुकाम से उठा देना ये गलत है, ये इंसाफ से हटके हैं। नबी को अल्लाह ने एक मुकाम दिया है, अगर आपने नबी को नबी के मुकाम से गिरा दिया तो भी गलत है, और अगर नबी के मुकाम से उठाकर अल्लाह के मुकाम पे बिठा दिया तो भी गलत है, तब जाके ताबूत है। हम कहते हैं समंदर में तो ग्यानी आ गई, कब कहते हैं, जब समंदर का पानी आपे से बाहर हो जाए, लिमिट पार कर जाए, क्रॉस कर जाए, कहते कि समंदर में तुगयानी आ गई, उसी से तागूत हैं। यानी नबी का मुकाम, नबी को नबुवत के मुकाम पे, रिसालत के मुकाम पे रखो, अगर आपने उलूहियत के मुकाम पे बिठा दिया तो तागूत का काम किया, लिमिट पार कर दिया, क्रॉस कर दिया। औलिया का, बुजुर्गों का, बड़ों का मुकाम है, वहां रखा करो, वहां से अगर आपने उनके मुकाम को उठा दिया तागूत है,
अंबिया का मुकाम है, इसी तरह से आइम्मा का मुकाम है। आपने आइम्मा को अगर अंबिया का मुकाम दे दिया, अंबिया को अल्लाह का मुकाम दे दिया, तो ये लिमिट आपने पार कर दिया है। यही तागूत है, तागूत से पहले बचना है। इसीलिए इस्लाम का पहला कलिमा हमें यह सिखाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाह, तमाम तागूत का इनकार करो। इबादत के हकदार मुस्ताहिक कोई नहीं है, सबका इनकार करो। वज्तनिबु तागूत, तागूत से बचो, परहेज करो। और जो तागूत का इनकार करे फिर ईमान लाए, तभी उसका ईमान काबिले कदर है। तौहीद के साथ इबादत काबिले कदर है, वरना अल्लाह के पास काबिले कदर भी नहीं, काबिले कबूल भी नहीं है। फमन यकफुर बित्तागूत वयुमिन बिल्लाह फकद इस्तमसक बिल उरवतिल वुस्का। अल्लाह ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, जो तागूत का इनकार कर दे, फमन यकफुर बित्तागूत, तागूत का इनकार कर दे, फिर वयुमिन बिल्लाह, फिर अल्लाह पर ईमान लाए, तब जाकर उसका ईमान काबिले कबूल होगा, उसकी इबादत अल्लाह के पास काबिले कबूल होगी। और अगर तागूत के साथ है, शिर्क के साथ है, कोई फायदा नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था कि देखिए, अल्लाह ने कायनात को उजूल वजूद बख्शा तौहीद के लिए, अंबिया को मबऊस किया तौहीद के लिए। वलकद बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूला अन इबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, अल्लाह की इबादत करो, तागूत से बच जाओ। एक इंसान पर पहला वाजिब तौहीद है, आखिरी वाजिब तौहीद है। यही तौहीद इंसान पर सबसे पहले वाजिब होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चा जब बोलना सीखे उसको अल्लाह सिखाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, अल्लाह सिखाओ। वो अल्लाह जिसने तुमको बोलने की सलाहियत दी, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, बयान की सलाहियत और ताकत अल्लाह ने अता फरमाई है। जब आपको बोलना आया तो अल्लाह का कलीमा पढ़ो, अल्लाह के कलीमे का इकरार किया करो। लेकिन इंसान है, अफसोस इंसान, जब तुझे मांगना नहीं आता था, जब तू मां के पेट में था, तेरी फरियाद कौन सुनता था? जब तुझे बोलना नहीं आता था, तेरी जरूरतों को कौन पूरी करता था? तेरी फरियाद रसी कौन किया करता था? अल्लाह करता था। जब तुझे मांगना आया, गैरुल्लाह से मांगना शुरू किया, इससे बढ़ के जुल्म क्या हो सकता है? इसीलिए शिर्क को सबसे बड़ा जुल्म करार दिया गया। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क कायनात में सबसे बड़ा जुल्म है, तौहीद सबसे बड़ा इंसाफ है। इसीलिए हर एक को उसका मुकाम देना, यही याद रखिए, इंसाफ है। अल्लाह को अल्लाह का मुकाम दिया करो। आखिरी वाजिब यही है। नबी ने फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, जिसका आखिरी कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, जन्नत में जाएगा। इसी तरह से आखिरत की पहली मंजिल कब्र, वहां पर भी सबसे पहला सवाल तौहीद के बारे में होगा, मन रब, तुम्हारा रब कौन है? नमाज के बारे में, रोजे के बारे में, सदका तो खैरात के बारे में, जकात के बारे में, हज के बारे में सवाल नहीं होगा। ये तो उस वक्त सवाल होगा जब पहले तुम फर्स्ट पेपर को क्लियर कर लो, इसमें क्वालिफाइड हो जाओ, तो सेकेंड पेपर आपका काउंटेबल होगा, वरना नहीं। याद रखिए मेरे भाइयों, दुनिया और आखिरत हर चीज में आपको और हमारी कामयाबी का इन्हसार तौहीद पर है। इसी तौहीद के लिए अल्लाह ने कायनात को वजूद बख्शा। जब तक तौहीद है, कायनात बाकी है, तौहीद खत्म, कायनात खत्म। आपने बारहा यह हदीस सुनी होगी, बारहा सुनी होगी, सही मुस्लिम की रिवायत है। अनस रदी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा ये कहा करते थे, ला तकुमुस्साअ ला तकुमुस्साअ, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी, हत्ता युकाल फिल अर्द ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक रूए जमीन पे कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह का, तौहीद का इकरार करने वाला होगा,
दूसरी रिवायत में हत्ता यकाला फिल अर्द अल्लाह अल्लाह, रूए जमीन पे कोई अल्लाह कहने वाला होगा, एक बंदा तौहीद परस्त होगा, अल्लाह ताला कायनात को बाकी रखेगा, कयामत नहीं आएगी। रूए जमीन से जिस दिन एक तौहीद परस्त ना हो, तौहीद खत्म, तौहीद परस्त खत्म, कायनात भी खत्म। और याद रखिए मेरे भाइयों, तौहीद का मरकज है काबा, तौहीद का मंबा है काबा, तौहीद का मरकज है काबा। जब तक काबा है ये दुनिया की जमानत है, काबा खत्म दुनिया की जमानत भी खत्म। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, आखिरी जमाने में कयामत से पहले काबे को ढा दिया जाएगा, काबे को ढा दिया जाए, याद रखो तो दुनिया को भी ढा देने के बराबर है। और हर मस्जिद का ताल्लुक काबे से होता है, हर मस्जिद का ताल्लुक काबे से होता है, और हर मस्जिद ये तौहीद का मरकज, मंबा, मखज़न, गहवारा, ठिकाना है। याद रखिए मेरे भाइयों, और इसी तौहीद की अल्लाह ताला ने ये मिसाल दी है, इसी तौहीद की अल्लाह ताला ने मिसाल दीते देते हुए फरमाया, जो आयत मैंने आपके सामने सूरह इब्राहिम की पढ़ी है खुतबाए मसूना के बाद दो आयतें 24 और 25 पढ़ी है, अल्लाह ने फरमाया अलम तर كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة, क्या लोग देखते नहीं है, क्या तुमने गौर और फिक्र नहीं किया, अल्लाह ताला किस तरह से कलीमाए तय्यबा की मिसाल देता है। कलीमाए तय्यबा की मिसाल यह है, कलीमतन तय्यबा का शजरतिन तय्यबा, पाकीजा दरख की तरह उसकी मिसाल है। और नबी ने सही बुखारी के हदीस में फरमाया, ये पाकीजा दरख कौन सा दरख है, नबी ने सवाल किया साहबा के बीच में, से बुखारी की हदीस है, बताओ ऐसा दरख्त जिसकी मिसाल मोमिन की है, जिसकी मिसाल मोमिन से दी, और जिसकी कोई चीज बेकार नहीं होती है, हर वक्त इंसान को फायदा पहुंचाता है, कौन सा दरख्त बताओ। कोई बता नहीं पाए। महफिल में इब्ने उमर थे, अब्दुल्ला बिन उमर, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बेटे अब्दुल्ला थे, उनके दिल में बात आई कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन बोले नहीं। बाद में अल्लाह के रसूल ने जब बताया, अब्दुल्ला अपने बाप से जाकर बाद में घर में जाकर कहा कि अब्बू जान मेरे दिल में ये बात आई थी कि वो दरख्त खजूर का है, तो कहा कि तुमने बताया क्यों नहीं, बताए होते तो मुझे कितनी खुशी होती कि मेरा बेटा इतने साहबा किराम के दरमियान अल्लाह के रसूल के सवाल का जवाब दिया है। कितनी खुशी होती है बाप को, हाँ बेटे की तरक्की से बाप को खुशी होती है। ये दुनिया के वाहिद इंसान है जो ये कहता है मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े। हर एक चाहता, इन्हें आगे नहीं बढ़ रहा, टांग पकड़ के खींचने की कोशिश होती, एक बाप है जो कहता है मेरा बेटा भी मुझसे आगे बढ़े, एक बाप ही कहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े। बहरहाल उमर ने कहा तुमने कहा क्यों नहीं बेटा, अदब देखो, अदब देखो। इब्ने उमर ने कहा, अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि अब्बू जान महफिल में अबू बकर आप हैं, उस्मान और अली हैं, बड़े बड़े सहाबा इकराम हैं, उनकी मौजूदगी में मैं छोटा आदमी कैसे बोलूं, अदब का ख्याल देखो। बड़ों के बीच में छोटों को अगर जवाब आता भी है, सही भी है, तब भी नहीं टोकना, बोलना नहीं चाहिए, याद रखो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की मिसाल देते हुए फरमाया कि ये खजूर के दरख्त हैं, अल्लाह ने भी कहा कि देखो ये खजूर की दरख्त हैं, उसकी जड़ें मजबूत हैं और उसकी शाखें फैली हुई हैं, कहा कि देखो असलुहा साबित व फरुहा फिस समा, उसकी जड़ें मजबूत हैं और उसके शाखें दूर दूर तक आसमान पे फैली हुई है, तूती उकलाहा कुल्लहीन, हर वक्त इंसान को फायदा पहुंचाता है, इदने रब्बिहा अपने रब की मर्जी से अल्लाह मिसाल बयान करता है इन इंसानों के लिए ताकि इंसान नसीहत हासिल करें। अल्लाह अकबर, क्या बेहतरीन आयत है मेरे भाइयों, तौहीद की मिसाल दी गई, तौहीद की मिसाल उस दरख्त से दी गई जो हर वक्त फल दे, हर वक्त फायदा पहुंचाए और उसकी जड़ें मजबूत हो, शाखें आसमानों को छूते हुए आसमानों को बात करें, हर जगह पर उसकी शाखें फैली हुई हो। हाजरीन, ये तौहीद की वाकई माने में मिसाल है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना, नामो निशा हमारा। याद रखिए मेरे भाइयों,
तौहीद यही है कि खुदा हशर में कह दे बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। तौहीद का एक पौधा जहां लगाया जाए, एक पौधा तौहीद का लगा दो, देखते ही देखते देखो उस इलाके में तौहीद का बेहतरीन परचम लहरना शुरू हो जाता है। तौहीद का ये फलदार दरख्त हर एक को फल देता है, हर एक को फायदा पहुंचाता है। मोमिन वो होता है, मुवाहिद वो होता है, तौहीद परस वो होता है। तौहीद का मतलब हर एक को फायदा पहुंचाना, हर मसले का हल इसी में है। तो मुवाहिद को चाहिए, तौहीद परस को चाहिए, मोमिन को चाहिए हर एक के लिए फायदा मंद बने, हर एक के लिए सूद मंद बने, किसी को किसी के लिए जहमत ना बने, बल्कि हर एक के लिए रहमत बना करे। क्योंकि तौहीद, तौहीद में हर मसले का हल है, हर मसले का हल है तौहीद। याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में 13 साल में से तकरीबन 11.5 या 12 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद और अखलाक की तालीम देते रहे। नमाज का हुक्म 11.5 साल बाद, नबी की हिजरत से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 11.5 तकरीबन 12 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदा तौहीद और अखलाक की तालीम देते रहे, सदका तो खैरात की तालीम देते रहे, और नमाज के बाद जकात मदीने में और हज की फर्जियत मदीने में, हिजरत के बाद 13-14 साल बाद का ये वाकया है। रमजान के रोजे हिजरत के 2 साल बाद यानी 15 साल बाद नबी की नबूवत के बाद का ये सब वाकयात है। आप देखिए दीगर जो अमाल हैं, निकाह शादी बियाह तलाक खुला जिहाद सियर जितने अहकाम हैं ये सब मदीने में हैं। मक्के में अकीदा और अखलाक की तालीम मजबूत किया जा रहा था कि तुम्हारे नमाज, तुम्हारे जकात, तुम्हारे सौम सलात, हज, जकात, सदकात, खैरात, दुआ, दरूद, दावत, तबलीग, जिहाद, सियार, तुम्हारे ये सारी बातें अल्लाह के पास काबिले कबूल होने के लिए तौहीद मजबूत होना बहुत जरूरी है। तौहीद इसी का नाम है, याद रखिए। और यही बात है कि तौहीद जहां पर हो हर मसले का हल है। परेशानी है, तकलीफ है, आप अंबिया को देख ले, वक्त ना काफी है सारी बातें आपके सामने अर्ज करने के लिए। आदम अलैहि सलाम को जब परेशानी आई, उन्होंने क्या किया? तौहीद का सहारा लिया। क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना वइन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब 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 का सहारा लिया। यहां पर भी लोग बख्शते नहीं है, कहते हैं आदम अलैहि सलाम तौबा कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, आदम की तौबा और दुआ कबूल नहीं हो रही थी। अर्श पे लिखा देखे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हवाले से वसीले से दुआ किए तब जाकर दुआ कबूल हुई है। ये बेबुनियाद बकवास की बातें हैं, याद रखिए मेरे भाइयों, ऐसी बात बिल्कुल सही नहीं है। अब आगे बढ़े, इब्राहिम अलैहि सलाम को जब आग में डाला जा रहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबान पे तौहीद का नारा था। इमाम अहले तौहीद है ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में कहा कि हनीफा मुस्लिमा, तौहीद परस, एकसु अल्लाह की तरफ रुजू होने वाले मुसलमान थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबान पे ये था हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है। आज भी हो जो बराहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, ये दौर अपने बराहिम की तलाश में है, सनम गदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा अलैहि सलाम के सामने समंदर हाइल है, पीछे फिरौन जालिम की लश्कर है। याद करो उस माहौल को, उस समा को, उस वक्त मूसा अलैहि सलाम की जबान पे ही बात थी हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफी है, अल्लाह मेरे लिए काफी है। लूत अलैहि सलाम हिजरत करके जा रहे थे और इसी तरह से उनकी जबान पे भी कलिमा था। इब्राहिम अलैहि सलाम के साथ वो भी ये कह रहे थे इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। रब तौहीद, तौहीद, याद रखिए मेरे भाइयों। अय्यूब अलैहि सलाम को बीमारी आई, उन्होंने अल्लाह के पास वही कहा अन्नी मस्सनी अद्दुर
انت ارحم الراحمین, اللہ تو رحم کرنے والا ہے. اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سمندر میں اندھیروں میں تھے, وہاں پر انہوں نے توحید کا کلمے کا جب کیا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پریشانی میں تکلیف میں جب آپ کو سجائی نہ دے, یاد رکھو یونس علیہ السلام کا یہ کلمہ آپ پڑھتے رہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اکبر, آپ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ. ہر موقع پر یہی بات تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں غزوہ بدر کے موقع پر توحید کا کلمہ آپ کی زبان پہ تھا. توحید ہر مسئلے کا, ہر پریشانی کا حل ہے. دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں کہ مصیبت میں, تکلیف میں, پریشانی میں, بیماری میں, سارے کے سارے توحید کے ہیں. لا الہ الا اللہ رب العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم. دیکھو لا الہ لا الہ لا الہ ہے. ایک حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے, سب کو چھوڑ چھاڑ کے کفن باندھ کے جاتا ہے, اور وہ کیا کہتا ہے, حج کرنے والا, عمرہ کرنے والا, گھر بار کو چھوڑا, رشتہ دار و اقارب کو چھوڑا, بینک بیلنس کو چھوڑا, کاروبار اور تجارت کو چھوڑ دیا, نرم گرم بستر کو چھوڑا, اپنے بنگلے کو چھوڑ دیا, کفن کے دو چادر پہن کے جاتا ہے, اور زبان پہ کلمہ توحید ہے, لبائک اللہم لبائک, لبائک لا شریک لک لبائک, ان الحمد والنعمہ ولک والملک لا شریک لک. اللہ اکبر. توحید 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 میرے بھائیو, ہر مسئلے کا حل ہے توحید. اسی لیے یاد رکھیے, توحید کا پودا جہاں لگایا جائے توحید سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. ہمارے اور آپ کے اعمال اللہ کے پاس قابل قبول ہونے کے لیے توحید پرست ہونا بہت ضروری ہے. رمضان آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائیں, رمضان کا کما حق و حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ ہمارے ملکوں میں امن و امان نصیب فرمائیں. تو آپ کے رمضان کی عبادتیں قبول ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج سے آپ توحید پرست بن جاؤ, توحید والے بن جاؤ. رمضان کا استقبال, رمضان کا استقبال سلف صالحین پہلے توحید کے ساتھ کرتے تھے, پہلے عقیدے کی اصلاح کے ساتھ کرتے تھے, نیت کو خالص رکھ کر کرتے تھے, اور اس کے بعد ہی آپ کو اللہ کے پاس قابل قبول ہونے کا موقع ملے گا. کیونکہ اعمال اللہ کے پاس قابل قبول ہونے کی بنیادی شرط ہے توحید ہو, عقیدہ درست ہو, اور نبی کے طریقے پر توحید کا کام کیا جائے, نبی کے طریقے پر اس پرچم کو آگے بڑھایا جائے, تب جا کر فائدہ ہوگا. اور اگر توحید نہیں, اتباع سنت نہیں, وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. وہ تین صحابہ کرام جو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر سوال کیے اللہ کے رسول کی عبادتیں کیسی ہوتی ہے, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اور دن کی عبادتیں کیسی ہوتی ہیں. ان لوگوں نے کہا اینا نحن من رسول اللہ, ہم اللہ کے رسول کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. کانہم تقالو ہیں, گویا کہ وہ لوگ اپنی عبادتوں کو کم سمجھ رہے تھے. ان میں سے ایک نے ارادہ کیا آج سے میں ساری رات عبادت کروں گا, کبھی رات میں سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, دن میں میں روزہ نہیں چھوڑوں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. نبی کو پتا چلا, نبی نے سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا دیکھو عقیدہ اور منہج کی بات آئے, سارے لوگوں کے سامنے یہ باتیں کہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے فرمایا دیکھو فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, میرے طریقے سے ہٹ کے جو انسان نماز, روزہ, حج, زکاۃ, صدقات, خیرات, دعوت, تبلیغ, زندگی کو وقف کرنے کا ارادہ کرے, وہ میرے پاس وہ مجھ میں سے نہیں ہے, اللہ کے پاس قابل قبول نہیں, وہ میرا طریقہ نہیں ہے. اور جو میرے طریقے پر کام نہ کرے وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں ہمارا حکم نہیں ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں, روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں, فاتحہ تو پڑھ رہے ہیں, درود ہی تو پڑھ رہے ہیں, قرآن خوانی تو کر رہے ہیں, غلط کیا ہے؟ آپ پوچھو اللہ کے رسول کو یہ تین صحابہ کرام کیا غلط کر ادا کیے تھے, نماز روزے کا تو ہی ارادہ کیے تھے. غلط یہ ہے کہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے.
तौहीद के साथ बहुत जरूरी है कि नबी के तरीके पर हम काम करें, वरना हम मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे, अजाब से दो चार हो जाएंगे, फितने में दो चार कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह नूर आयत नंबर 64, फलयहदरिल्लदीना युखालिफूना अन अमरिन अन तुसीबहुम फितना और युसीबहुम अदाबुन अलीम। उन लोगों को डरना चाहिए जो नबी की मुखालफत करते हैं, कहीं फितने में मुब्तला ना कर दिए जाए या दर्दनाक अजाब से दो चार ना कर दिए जाए। नबी की मुखालफत ना करो। नबी के सामने कातिब बाएं हाथ से खा रहा था, नबी ने कहा कि मत खाओ, उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता, फौरन उसका दाना हाथ नकारा हो गया, नकारा हो गया। नबी की मुखालफत करने का अंजाम यह है, अल्लाह ताला सजा देता है और अल्लाह ताला मुसीबत में तकलीफ में मुब्तला करता है, फितने में दो चार करता है। आज जो माहौल है, चाहे मुल्क की सतह पर हो, आलमी सतह पर हो, इन सब के पीछे याद रखिए दो चीज कार फरमा है। आज मुसलमानों के पास जो तौहीद और अकीदा होना चाहिए वो तौहीद और अकीदा नहीं है, ईमान की कमी है। अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन हो। हुकूमत चाहिए, खौफ का माहौल दूर करना चाहते हो, दीन को मजबूत करना चाहते हो। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी आयत है सूरह नूर आयत नंबर 55 जाके आप ठंडे दिमाग से इस आयत का मुताला करना। अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ने कहा वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह का वादा है तुम में से उन लोगों से, अल्लाह का वादा है। क्या वादा है? तीन वादे अल्लाह ने किए हैं। तुम्हें अल्लाह ताला जमीन में खिलाफत अर्ज़ी अता फरमाएगा, अल्लाह तुम पर जो खौफ का माहौल है, वला युबदिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, खौफ के बाद अमन का माहौल देगा। और इसी तरह से वला युमक्किनन लहुम दीनहुम अल्लतिज़ा लहुम, और उस दीन को अल्लाह ताला मजबूत कर देगा जिस दीन को अल्लाह ताला ने तुम्हारे उनके लिए चुना है। दीन को मजबूत करना चाहते हो, इकामत दीन के दावेदारों आओ तफसीर सुन लो सही माने में, दीन की गलत ताबीर मत किया करो। इकामत दीन किसके जरिए से हो सकती है? हुकूमत इलाही कैसे मिल सकती है? खिलाफत अर्जी कैसे हासिल हो सकती है? खौफ का माहौल कैसे दूर कर सकते हो? अपने दीन को कैसे मजबूत कर सकते हो? अल्लाह ने फरमाया तुम में से उन लोगों से मेरा वादा रहा। अल्लाह का वादा कभी गलत नहीं हो सकता है, अल्लाह वादा खिलाफी कर नहीं सकता है। याद रखिए अल्लाह का वादा है। क्या वादा है? अल्लाह तुम्हें हुकूमत अर्जी अता फरमाएगा, खिलाफत अर्जी देगा, दीन को मजबूत कर देगा, दीन इकामत दीन को भी अल्लाह कायम, दीन की इकामत अल्लाह करेगा, खौफ के बाद अमन का माहौल देगा। करना क्या है? किन लोगों से वादा है? ये तीन वादे किन लोगों से हैं? तुम में से वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, ईमान लाए नेक अमल किए। वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात, तुम में से जो ईमान के बाद नेक अमल किए, तौहीद ईमान के साथ नेक अमल करो। और नेक अमल में याद रखिए अल्लाह के हुकूक के साथ अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा करना, यानी अखलाक और किरदार दूसरा सबब ही है। आज हमारे अखलाक और कैरेक्टर खराब है। शेख अल्बानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, उनकी कैसेट उसमें वो बयान करते हैं, कैसेट में वो बयान करते हैं कि मैं शुरू शुरू में ये समझता था। आज जो आलम इस्लाम की जबोहाली परेशानी तकलीफ और सवाल का सबब तौहीद है, बाद में मुरूर आयाम से मुझे पता चला सिर्फ तौहीद नहीं है, तौहीद के साथ अकीदे के साथ अखलाक भी एक बहुत बड़ा सबब है। आज जो हम पीछे हैं, याद रखिए अखलाक और किरदार का अपनाना भी बहुत जरूरी है। आज उम्मत में से जिनके पास अकीदा है अखलाक के कोरे हैं, और जिनके पास अच्छे अखलाक है अकीदे से दूर है। दोनों अगर एक साथ हो जाएं, मक्के में नबी मैंने शुरू में कहा तौहीद के साथ अखलाक की भी तालीम देते रहे हैं। और दलील के तौर पर सही बुखारी की जो दूसरी हदीस है, लंबी हदीस है, शाह रोम हिराकल ने जब अबू सुफियान को बुलाया नबी के बारे में पूछने के लिए, कहते कि किस बात का वो हुक्म देते हैं, तो अबू सुफियान की गवाही उस वक्त ये थी, काना यामुरुना बिसिद्दिक व सलात व अफाफ व सदका, वो हमें सदकात खैरात इज्जत व इफ्फत की हिफाजत नमाज सौम के हुक्म देते हैं। और वो कहते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो,
गलत कहते वो लोग जो कहते हैं कि मक्के में सिर्फ तौहीद की तालीम नहीं, अकीदा के साथ अखलाक की भी तालीम देते रहे, सदका तो खैरात की भी तालीम देते रहे। शुरू की जो आयतें हैं मक्की दौर की आयतों में सदका तो खैरात के बारे में उभारा गया, जबकि परेशान कमजोर हाल थे। हाजरीन, खुलासा कलाम यह है, तौहीद हर मसले का हल है। तौहीद और अकीदा और अखलाक, इन दोनों को लेकर चलें तो अल्लाह ताला के ये वादे हम पर पूरे हो सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने आप को बदलें और देखें और अल्लाह से मायूस ना हो, मायूस ना हो। अल्लाह तबरक ताला जरूर बा जरूर तौहीद को कायम करेगा। मैं आपके सामने यही अर्ज किया कि तौहीद का पौधा जब लगाया जाता है उस पौधे को देखते ही देखते तनावर दरख्त बनता है, हर एक को फायदा पहुंचाता है। और अल्लाह अकबर, इसी तौहीद के लिए कायनात को अल्लाह ने पैदा किया, अंबिया को भेजा, किताबों को नाजिल किया। पहला वाजिब यही है, आखिरी वाजिब यही है। आखिरत की पहली मंजिल कब्र में सवाल भी तौहीद के ताल्लुक से। जब तक तौहीद है दुनिया कायम है, तौहीद खत्म दुनिया भी खत्म है। और तौहीद का गहवारा मरकज मंबा है काबा, काबा खत्म दुनिया खत्म, काबा आबाद दुनिया आबाद। और हर मस्जिद का ताल्लुक काबे से है, दुनिया में मस्जिद आबाद तो याद रखो दुनिया आबाद, तौहीद आबाद मरकज आबाद। तो याद रखिए मेरे भाइयों, मस्जिदों को आबाद करो, इसी में तौहीद आबाद होगी। और इसी में याद रखिए कि दुनिया कायम रहेगी, यहीं से आप हर चीज का मसले का सलूशन निकाल सकते हो। इसको आप कम्युनिटी सेंटर भी बनाओ और मस्जिद को याद रखिए आप एक पावर हाउस बनाओ, यहां से पावर सप्लाई भी करो, कम्युनिटी के हर काम आपका आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही एक तौहीद का मरकज ये मस्जिद खलीलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, आप जानते जो कदीम लोग हैं, एक जमाने में मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह आके 16 साल हो रहा, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह नजर बस से बचाए, खिदमत को कबूल फरमाए और हासिदिन के हसास से शरीरों के शर से अल्लाह महफूज रखें और अल्लाह तबरक ताला कबूल फरमाए। 16 साल से मैं देख रहा हूं, मैं जब पहले आया था तो यहां पर सिर्फ नीचे जुमा की नमाज और वहां मुश्किल से मर्द अहबाब में से गिनकर 100-200 और खवातीन के लिए वो नीचे जो बेसमेंट है उसमें आधे में टॉयलेट बाथरूम और आधे में खवातीन के लिए मुश्किल से 20-25 खवातीन बैठ सकती है। ये हाल आज अल्हम्दुलिल्लाह अब देख रहे हैं, 2,500 का मजमा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तौहीद की बरकत है मेरे भाइयों, तौहीद की बरकत है ये। और आप उससे कदीम उससे पहले भी जाएंगे, इस मस्जिद की जो तारीख है हिस्ट्री है, अल्लाह अकबर कैसे कैसे मस्जिद को खत्म करने की कोशिश हुई और यहां पर मार तोड़ की पेश आ गया, दूसरे लोग जो परेशान करने आए, क्या क्या हुआ, ये सारी बातें यहां पर मौजूद हैं। लेकिन याद रखो तौहीद का पौधा लगाया जाए इखलास के साथ तो वो ऐसा तनावर दरक बनता है कि उसकी जड़ें मजबूत और दूर दूर तक उसकी शाखें फैल जाएं, हर एक को वो फायदा पहुंचाते रहे। अल्लाह अकबर, ये एक दरख्त है, अब देख रहे हैं मस्जिद खलीलुल्लाह भी एक तौहीद का दरख्त है मेरे भाइयों, यहां से काफी फायदा हुआ हो रहा है और अल्लाह ताला कयामत तक इसको कायम और दायम रखें और इससे बेहतरीन काम ले कम्युनिटी के। इसको एक पावर हाउस है और बनाएं, कम्युनिटी सेंटर है और बनाएं, कौम मिल्लत के फायदे यहां से हो। और याद रखिए मस्जिद खलीलुल्लाह से अपनों के साथ साथ गैरों को भी फायदा पहुंचाया जा रहा है, गैरों को भी फायदा पहुंचाया जा रहा है यहां के जरिए से, दावती तालीमी इस्लाही दीनी तरबियाती तालीमी रिफाही दार तरह के काम अल्हम्दुलिल्लाह यहां से हो रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मजीद तरक्की से नवाजे, आमीन। हाजरीन, तौहीद जहां कायम हो अब जानते हैं कि वो तनावर दरख्त बनता है। तो ऐसे ही इस मस्जिद को आबाद करना तौहीद को आबाद करने के बराबर है। हर मस्जिद का ताल्लुक काबे से है, काबा कायम दुनिया कायम, तौहीद कायम दुनिया कायम, मस्जिद कायम दुनिया कायम, मस्जिद खत्म दुनिया खत्म, काबा खत्म तौहीद खत्म दुनिया खत्म, है ना। तो ऐसे ही इस मस्जिद के कयाम के लिए अल्लाह अकबर एक और मौका आपके सामने है, एक और मौका आपके सामने है और वो है आप इससे पहले मस्जिद की जमीन की खरीदारी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 2-1.5 साल पहले आपके सामने दरख्वास्त की गई थी। खवातीन के लिए जगह नाकाफी है, अभी भी मसला हल नहीं हुआ है। क्यों? जगह जो हम लिए हैं आपको पहले बताया गया था कि मस्जिद से लग के एक जमीन है, उसके बाद की जमीन है ये,
उसकी बाद की जमीन है जो ये मस्जिद से लग के एक जमीन है 30-40 साइड दो आदमी की है यानी जो 600 स्क्वायर फीट एक आदमी की है और एक आदमी के जो खातून की है और बीच में एक आदमी के 600 स्क्वायर फीट है। तो उसके बाद हमने जमीन ली है 30-40 लेके रखे हैं, अब देख रहे हैं। अब उससे लग के यानी दोनों मस्जिद से लग के जो जमीन है और मस्जिद के ली हुई जमीन के बीच में जो 600 स्क्वायर फीट है वो मिल रही है। अब वो मिलने के बाद भी हम मस्जिद से अटैच नहीं कर सकते जब तक के ये बाजू की जमीन ना मिले, मस्जिद से लग के जमीन ना मिले। और बहुत उम्मीद है, पूरी कोशिश चल रही है कि ये जगह भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। मिल जाए तो उसके बाद आपकी अमानत है मस्जिद के लिए जो दी गई, मस्जिद के जमीन के लिए। मस्जिद के जमीन पे मस्जिद ही बनना चाहिए और मस्जिद के जमीन के लिए मस्जिद की जमीन ही खरीदनी चाहिए। और याद रखिए, जब तक मस्जिद बनाई ना गई हो उस जगह को बेच के किसी और जगह पर भी मस्जिद बनाई जा सकती, जब तक मस्जिद बनाई ना गई हो। तो इंशाअल्लाह यहां ये जमीन मिल जाएगी, अल्लाह से पूरी उम्मीद है। उसके बाद पूरी मस्जिद यहां से वहां तक खवातीन के लिए पूरी दे दी जाए और मर्दों के लिए प्लानिंग चल रही है। खवातीन की जो मस्जिद है वो भी मर्दों के लिए नीचे जो हाल है उसके साथ उसको कर दिया जाए, और ताकि दो फ्लोर यहां ये जितना बड़ा फ्लोर है ना मर्दों के लिए दो फ्लोर हो जाए ऐसे। और कैनोपी तो अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है और खवातीन के लिए गया कि वो जो जमीन ली गई 30-40 फिर उसके बाद अभी 600 स्क्वायर फीट फिर उसके बाद यानी 30-40 के दो साइड्स हो जाएंगे। बेहतरीन तरीके से पार्किंग का मसला हल हो सकता है, खवातीन के लिए मसला हल हो सकता, तालीमी इदारे बनाए जा सकते, काफी फायदे। और अगर अल्लाह ना करें तो ये भी याद रखिए कि अगर ये बाजू की जमीन ना मिले तो आपके ये पैसे जमीन मस्जिद के जमीन पे ही लगाया जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि मस्जिद के जमीन की खरीदारी के लिए 600 स्क्वायर फीट है वहां खरीदारी के लिए अभी जो बात हुई है जरूरत के हिसाब से 8,500 स्क्वायर फीट है। 8,500 स्क्वायर फीट रजिस्ट्रेशन वगैरह मिलाकर 8,500 स्क्वायर फीट है, 600 स्क्वायर फीट है। तो गोया के तकरीबन 50/2 या 50/1 के आसपास में उसकी कीमत बनती है। 50-51 लाख की जरूरत है, बहुत जल्द देना है। 5 लाख अदा करके, 5 लाख अदा करके अग्रीमेंट किया जा रहा है, तो बकिया 46 लाख बहुत जल्दी जमा करना है, बहुत जल्द अदा करना भी है। और रमजान का महीना भी आ रहा, अभी सब नियत कर ले, इरादा कर ले, आज भी दे ताकि आगाज ही अच्छा हो जाए, दमदार जोरदार हो जाए, ताकि इंशाल्लाह फायदा हो अल्लाह के घर के लिए। और याद रखिए स्क्वायर फीट मैंने बता दिया 8,500 है, और एक मुसल्ला तकरीबन 51 के आसपास में है, 51,000 के आसपास में है। और इसी तरह से अगर आप हाफ मुसल्ला लेना चाहते हैं तो 25,000 समथिंग चेंज है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से ताउन फरमाएं। मस्जिद की जमीन की खरीदारी है, कयामत तक जमीन होगी, कितने नेक नेकियां होंगी आपके लिए बेहतरीन सदका तो खैरात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबरक ताला हमें और आपके दिए हुए अमाल को कबूल फरमाए, नेक तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबरक ताला हमें और आपको सबको सेहत व आफियत के साथ रखे, तंदुरुस्ती के साथ रखे। अल्लाह सारे मुसलमानों को कि माल जान माल इज्जत आबरू दीन व ईमान अहलो अयाल की हिफाजत फरमाना, और जो मुसलमान बेघर हैं खासतौर से फलस्तीन के मुसलमानों के अल्लाह तो हिफाजत फरमाना, अल्लाह तो जालिमों से काफ़ी हो जाना, गज़ा के मुसलमानों के अल्लाह ताला हर एतबार से मदद करना, ताउन करना, उनके परेशानियों को दूर फरमाना। अल्लाह ताला हम कमज़ोर हैं सिर्फ दुआ कर सकते हैं, सारे मुसलमानों के मरीजों को अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमाना, और इसी तरह से जो लोग ज़ेर इलाज उनके इलाज को कामयाब बना देना, ला औलाद को औलाद की सहारा दे देना, बे औलाद को औलाद का सहारा देना, साहिब औलाद के औलाद को नेक और साले बना देना, जो बेरोजगार है रोजगारी नसीब फरमा देना, जो मकरूज है उनकी कर्ज की अदायगी के लिए रास्ता निकाल देना। अल्लाह ताला हर एक को इत्मीनान और सुकून की जिंदगी अता फरमाना, खैर व बरकत अता फरमाना, जो मांगने से रह गए अपनी शान से नवाज देना। खवातीन से भी खुसूसी गुजारिश है कि आपके लिए पूरी कोशिश हो रही है, आप इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन का बड़ा रोल रहा, जेवरात से वो जेवरात जो आपको पसंदीदा है, और अल्लाह ने फरमाया
कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को उस वक्त तक पा नहीं सकते हो जब तक अपने पसंदीदा चीज को अल्लाह के रास्ते में सदका तो खैरात ना करो। याद रखिए मेरे भाइयों, मस्जिद को आबाद करने वालों में सदका तो खैरात करने वाले, आने वाले, नमाज पढ़ने वाले, यहां पर यहां तक कि आप सिर्फ इरादा कर लें, आपके इरादे में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा, तो कल कयामत के मैदान में अल्लाह के पड़ोसी बनेंगे। क़यामत के मैदान में अल्लाह कहेगा आईना जीरानी, मेरे पड़ोसी कहाँ है। मस्जिदों को आबाद करने वाले, मस्जिदों को तामीर में हिस्सा लेने वाले, मस्जिदों के आकर इबादत करने वाले अल्लाह के मेहमान और पड़ोसी होंगे। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह करें हम सबको अल्लाह के पड़ोसी बनाए, अल्लाह हमें नेक तौफीक दे और अल्लाह के घर में बढ़ चढ़ के ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वा आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।